हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फोटोशॉप में ग्रेडियंट एडिटर या ग्रेडिएंट मैप का यूज़ कैसे किया जाता है बेसिकली हम इनका यूज़ बैकग्राउंड क्रिएट करने में करते हैं क्योंकि जब हम बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए हम एक अट्रैक्टिव बैकग्राउंड बना लेते हैं और उसे ग्रेडियंट एडिटर में ही सेव कर लेते हैं और जब कभी भी हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है यूज़ करना होता है तो हम उसमें जाकर यूज़ कर लेते हैं तो उसके लिए हम इमेज पर जाएंगे एडजस्टमेंट पर रुकेंगे और नीचे ग्रेडियंट मैप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कलर कॉम्बिनेशन इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो चुका है यहाँ पर हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं तो यहाँ अलग अलग कलर दे रखे हैं जैसे हमने रेड सेलेक्ट किया और ये अलग अलग तरह के कलर्स हैं और हम अपने हिसाब से बैकग्राउंड बना भी सकते हैं और ये जो जहाँ प्री सेट कलर जो दिखा रहा है यहाँ पर सेव कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर ब्लू कलर है तो हम येलो को उठाएंगे और सबसे राइट साइड में ले जाएंगे तो बैकग्राउंड येलो हो जाएगा तो ये बैकग्राउंड येलो हो चुका है उसके बाद हम ग्रेडियंट टाइप को सॉलिड से हटा के इस पर क्लिक करेंगे और नॉइज़ ये वाला कर देंगे उसके बाद ये आ, कलर कॉम्बिनेशन आ चुका है उसके बाद हम नीचे कलर मैच करा सकते हैं मतलब जो भी कलर हमें क्रिएट करने हैं तो इनसे हम एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जैसे रिस्ट्रिक्ट कलर तो जितने भी कलर बनाए हैं हमने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर एड ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करके हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं उसके बाद हम रेंडमाइज अगर क्लिक क्लिक करेंगे तो रेंडमली कलर सेलेक्ट होते जा जाएंगे जितने भी यहाँ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं कलर में उसके बाद हम इसे सेव कर सकते हैं तो सब सेव पर क्लिक करेंगे तो ऊपर जो प्रीसेट है इसमें सेव हो जाया गया तो देखिए ग्रीन कलर ये सेव हो चुका है अब हम कभी भी यहाँ से इस बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं और उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है ओके उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी ओके पर क्लिक करेंगे और ये हमारा ग्रेडिंट एडिटर कलर बन चुका है